मैं अमित कुमार जेईटीटीपी एनफोर्समेंट फरीदाबाद। डीटीपी राजेंद्र शर्मा के आदेश अनुसार मैं इधर सिकरोना की तरफ, हमें पता चला कि अवैध कॉलोनी का वो कार्रवाई चल रही है इधर, तो हम जैसे ही इधर आए तो हमें पता चला कि भाई इस जगह पे डीलरों ने अवैध कॉलोनी बना रखी है। तो सर रिकॉर्ड के अनुसार पता चला कि इनमें पहले कार्रवाई हो चुकी है, ऑलरेडी इन पे कार्रवाई ले चुके हैं हम, और अब जैसे ही नया डेमोलिशन शेड्यूल बनेगा तो जैसे हमने अभी देखा है डीपीसीयां दोबारा से बननी स्टार्ट हो गई हैं, तो इनको दोबारा से डेमोलिशन कर दिया जाएगा। तो गरीब व्यक्ति अपने पैसों से कराता है, लेकिन डीलर बेच कर चला जाता है, डीलर पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? हम डीलर को एग्रीमेंट के अनुसार उठाएंगे और डीलर का नाम डाल के अपने नोटिसों में उस डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे। बड़ी कार्रवाई क्या बनती है, मतलब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ? सरकार की तरफ से जी पहले नोटिस दे दिए जाते हैं अर्बन हुडा एक्ट के अकॉर्डिंग 1975 सो को जारो, उसके बाद तोड़फोड़ की जाती है, फिर भी अगर नहीं मानते हैं डीलर तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी अगर आगे कंटिन्यू फर्दर अगर प्लॉटिंग चलती रहती है तो दोबारा से फिर से तोड़फोड़ की जाती है। फरीदाबाद की आम जनता एवं जो अवैध प्लॉट बेचते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे डीलरों? हम डीलरों को कहना चाहेंगे कि भाई अपना ये काम बंद करें, सरकार इनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट है और हर हाल में इनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में डीलरों को नहीं बख्शा जाएगा और ना ही इनके अवैध कॉलोनियां जो उनको विकसित किया जाएगा, विकसित करने दिया जाएगा। अवैध कॉलोनी में आपके साइड में मीटर बड़ा खंभा लगा दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया, लग सकता है कैसे? ये इसके बारे में देखो हमारा विभाग ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएगा आपको, आपको बिजली बोर्ड में या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वहाँ से पता चल पाएगा।